नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति भाटिया रावत। आज गोष्ठी का कारवां आ पहुंचा है देहरादून के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और उत्तराखंड अपनी संस्कृति, अपनी खूबसूरती और अपनी कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ की युवा पीढ़ी भी अपनी इसी धरोहर को बचाए रखने के लिए कई चुनौतियों का सामना कर रही है। क्या है वो चुनौतियाँ और क्या है समाधान, आज गोष्ठी इसी पर। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं रजनीकांत सेमवाल, फोक सिंगर, तन्मय मामघई, सोशल एक्टिविस्ट, और साथ ही मुकेश नौटियाल जो कि साहित्यकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन सब के अलावा हमारे साथ फोन लाइन पर श्रोता भी जुड़ेंगे जो कि इस चर्चा में भाग लेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड, क्योंकि अपने आप में ही बहुत खूबसूरत स्टेट है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे कल्चर हैं, बहुत ही सुंदर वातावरण है, किस तरह से आप लोग अपनी मुहिम को चला रहे हैं? सर, आप धात से हैं, किस तरह से धात काम कर रहा है? हाँ, दरअसल धात यहाँ का एक आंचलिक शब्द है जिसका मतलब सामूहिक रूप से आवाज़ देना होता है। जब पहाड़ में, चूँकि गांव दूर बसे होते हैं, तो जब बहुत बड़े समूह को आवाज़ देते हैं, हम धात के तौर पर उसको शब्द को धात कहते हैं। कई तरह के सामाजिक राजनीतिक आंदोलन इस बीच उभरे हैं और छोटी छोटी मुहिम भी चल रही हैं भाषा को लेकर के, संस्कृति को लेकर के। भाषा को लेकर की बात करें तो यहाँ की जो दो प्रमुख भाषाएं गढ़वाली और कुमाऊनी, वो अभी 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए जद्दोजहद चल रही है उनकी। और चूँकि भाषा ही संस्कृति की मूल आधार होती है, अगर वहाँ की भाषा ही वास्तविक रूप से अपना स्थान नहीं बना पाएंगी तो यहाँ की संस्कृति को हम वास्तविक रूप से वो स्थान दिलाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो अपना स्थान नहीं पा पाएंगे, इसलिए हम प्राथमिक रूप से यहाँ पे भाषाओं पे काम करते हैं। जी रजनीकांत, आप अपने फोक सिंगिंग के हिसाब से किस तरह से अपने ही ढंग से यहाँ के कल्चर को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले एक चुनौती ये रही है कि हम अपने पहाड़ की संस्कृति को, अपने फोक को कैसे दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया जाए, क्योंकि जीवन शैली बदली है, लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, तो उसके माध्यम से भी जो नई पीढ़ी है उनका सोचने का तरीका भी बदला है, उनका सुनने का भी तरीका बदला है। तो सबसे ज़रूरी है नई पीढ़ी को यह समझाना कि हमारा जो फोक है वो काफ़ी समृद्ध है, और यदि उसमें कुछ अच्छा सा काम किया जाए, मिलके काम किया जाए, तो वो म्यूज़िक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता है, लेकिन उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। इसी चीज़ को देखते हुए दिमाग में एक चीज़ आई कि यदि फोक को एक नए फ्लेवर और नए क्लेवर के साथ नई पीढ़ी को देंगे तो वो जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, उसको सुनना शुरू करेगा। जी नौटियाल साहब, आप बताइए, आप साहित्यकार हैं, किस तरह से अपने साहित्य के जरिए आप लोगों तक पैगाम पहुँचाते हैं, उनका कल्चर को सेव करने की मुहिम में शामिल होते हैं? पलायन पहाड़ों की बहुत पुरानी त्रासदी रही है। हमारे यहाँ से जो साहित्यकार उभरे हैं वो सब लोग पहाड़ को छोड़ छोड़ के नगरों महानगरों में बसते रहे हैं, और वहाँ पे उन्होंने लिखा, खूब लिखा और चर्चा में भी आए। लेकिन उन लोगों ने लिखते हुए एक बड़ा काम जो ये किया, वो उनके जो बिंब थे, उनकी जो भाषा थी, उनका जो साहित्य का कलेवर था, वो कहीं ना कहीं पहाड़ और हिमालय से जुड़ा रहा, और उन्होंने उसको पूरे देश में, दुनिया में फैलाया। साहित्य में पिछले कुछ समय, खासकर पिछले 2 दशकों से कुछ बड़े टाइप्ड से विमर्श आ गए हैं, और ये मान लिया गया है कि जो साहित्य उस फ्रेम में फिट हो रहा है वही साहित्य है, बाकी को खारिज किया जा रहा है। हमारी स्थिति ये है, हमारा जो जुग्राफिया है, जो हमारा सामाजिक परिवेश है, जो हमारे अपने संतरास हैं, गाँवों की बहुलता है, उसमें वो सारी चीज़ें, वो विमर्श हमारे बहुत काम के नहीं रहते हैं। अब हम लोग जो यहाँ पे बैठ के लिख रहे हैं, हमारे अपने संकट हैं, हमारा अपना समाज है, हमारे अपने बिंब हैं, अपनी भाषा है, और वो जो साहित्य की मंडी है वो नगरों महानगरों, यानी कि जो चेक कर रहा है वो यहाँ से रिलेटेड भी नहीं, वो रिलेटेड भी नहीं है। दुर्भाग्य इससे बड़ा ये है कि हमारे जो लोग, हमारी पीढ़ी के जो लोग नगरों महानगरों में चले गए हैं, उन्होंने उस खांचे में फिट होने के लिए उनके विमर्श भी वही हो गए हैं। ऐसे में हमारे सामने बड़ा सवाल ये है कि हम अगर गांव की बात करें तो वो किस ढंग से करें कि दिल्ली से जो क्रिटिक दिल्ली में बैठा है वो ये मान ले कि नहीं, अभी गांव मरे नहीं हैं, गांव भी जिंदा है। कि हम लोगों को बहुत मुश्किल होता है दिल्ली के संपादक को ये समझाना कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये परंपराएँ आज भी जिंदा हैं। यानी कि उनको एक बार आके ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ की जिंदगी किस तरह से चल रही है। जी मैं आपको रोकना चाहूँगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो मैम, नमस्ते, मैं संदीप बोल रहा हूँ देहरादून से।
जी संदीप, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि जो हमारे फोक सॉन्ग्स हैं, क्या उनके हम प्रमोशन उनको बचाने के लिए किसी बॉलीवुड की फिल्मी हस्ती का सहारा नहीं ले सकते हैं? संदीप का सवाल ये है कि जो ये म्यूजिक है, यहाँ का जो फोक म्यूजिक है, उसका कल्चर जो आप बचा के रखते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड से किसी को बुला के उनसे आप अगर गवाएं तो शायद आपकी मार्केटिंग ज़्यादा इजी हो जाएगी और शायद यहाँ की ऑडियंस भी उसको एक्सेप्ट जल्दी करेगी? ये अच्छी बात आपने कही है कि यदि वहाँ से बुलाएं, सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है किसी भी इंडस्ट्री को ऊपर लाने के लिए वो फाइनेंशियल बेस आ जाता है कि यदि आप पे फाइनेंस है तो आप कहीं से भी किसी को बुला के ला रही हैं। लेकिन अभी यहाँ एक इंडस्ट्री कहना अपने आप में एक भारी लग जाता है, क्योंकि अभी कुछ इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ संगठित रूप से कोई इंडस्ट्री बनी हुई है, सब अपना पर्सनली अपने फोक के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे मैटर करता है फाइनेंस, उसमें थोड़ा हम लोग पीछे हट जाते हैं। यदि फाइनेंस होगा हमारे पास तो निसंदेह यदि हम उन लोगों को बुलाएंगे तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, लेकिन फाइनेंस सबसे जी। फाइनेंस पर हम इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की युवा पीढ़ी यहाँ की धरोहर को बचाए रखने में किन चुनौतियों का सामना कर रही है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आप ही कह रहे थे कि फाइनेंस की कमी है, अगर फाइनेंस अच्छा हो जाएगा या आपको कोई स्पॉन्सर करेगा तो शायद आप यहाँ के कल्चर को बचाए रखने में और इजीली मोटिवेट हो सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी तन्मय जी कि जब आप काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर तो किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है? भाषा में दरअसल में क्या है कि पिछले 20-25 सालों में बाजारवाद का दौर जब से प्रारंभ हुआ है देश में, तब से जो स्थानीय भाषाएं हैं, जो लोक भाषाएं हैं, उनकी चुनौतियां अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। भाषा को या संस्कृति को बचाए रखने के कुछ दो तीन बिंदु बसते हैं। सरकारी प्रयासों के में संस्कृति विभाग या भाषा संस्थान की स्थापना जैसे काम तो हुआ है, लेकिन जो वास्तविक रूप से उस भाषा को बचाए रखने की जो छोटी छोटी कवायदे हैं, यूनेस्को का एक सर्वे हुआ था जिसमें उन्होंने यहाँ की भाषाओं को विलुप्तप्राय भाषाओं की श्रेणी में रखा था, उसके बाद से बड़ी मुहिम चली कि आखिरकार भाषा बचेंगी तो बचेंगी कैसे, क्योंकि यहाँ की भाषाओं को मैरीकॉम लैंग्वेज कहा जा रहा है, जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो रही है, यानी नई पीढ़ी इन भाषाओं को नहीं बोल रही है। तो हम लोग इस सवाल को लगातार उठा रहे थे कि इन जो नई पीढ़ी तक इस भाषा को पहुँचाने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयासों की ज़रूरत है। हम लोग इस एक सवाल ये कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षाओं में, प्राइमरी स्कूल में, जब से NCF 2005 आया है और राइट टू एजुकेशन, उसमें ऐसा प्रोविजन है कि जो प्राथमिक शिक्षाओं में प्राइमरी लेवल पर जो एक त्रिभाषा सूत्र है तो उसमें तीसरी भाषा के तौर पर यहाँ की स्थानीय भाषाएं पढ़ाई जा सकती है। तो हमारा कोशिश ये थी कि अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चों को स्थानीय भाषा भी पढ़ाई जाती है तो उससे न केवल भाषाओं से रिलेटेड रोजगार का सृजन होगा, बल्कि नई जो बच्चे को उस उम्र में भाषा सीखने को मिलेगी जिस उम्र में सामान्यतः वो उससे महरूम हो जाता है। ऐसे कई लाइब्रेरीज का गठन है, कवि गोष्ठियाँ है या भाषा के सम्मेलन करना है, कई सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जो ठोस प्रयास है वो शिक्षा को लोक भाषाओं से जोड़ने का करना पड़ेगा। हायर स्टडीज़ में तो है इस तरह का, MA वगैरह में कुछ सब्जेक्ट्स आए हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर भाषाओं का इंक्लूजन एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, आप जब साहित्य अपना लिखते हैं, तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? किस तरह के लोग या आपसे किस तरह के वातावरण से आपको गुजरना पड़ता है जिससे आपको लगता है कि ये शायद मुश्किल हो रहा है कहीं ना कहीं? हमारा एक हमेशा से ये कहना रहा है कि कुछ ये मान लिया गया है, क्योंकि साहित्य का जो पूरा सेटअप है अभी, खासकर हिंदी का जो साहित्य का पूरा है सेटअप है, वो नगरों और महानगरों में केंद्रित हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लिखने वाले यहाँ नहीं हैं, पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में बहुत अच्छा अच्छा लिखा जा रहा है और बहुत अच्छा लोग लिख रहे हैं। समस्या होती है कि उसको आपके पास तमाम साधन होने के बावजूद वो जब आपके शहर में पहुँचता है तो वहाँ ये मान लिया जाता है कि नहीं, आज तो इस तरह का कोई आदमी है ही नहीं, इस तरह का कोई समाज भी नहीं है, इस तरह की परंपरा, जबकि ये मानना बिल्कुल गलत है। गांव जो थे वो आज भी अपने हिसाब से हैं, पहाड़ अपने हिसाब से, जो नदियां बह रही थी वो अभी भी बह रही हैं। यानी कि आपको कहीं ना कहीं इस बात का दिक्कत हो रही है कि वो वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे हैं, ये एक बात बड़ा संघ। और उसमें वो ये मान लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये तो एक तरह से एक नॉस्टैल्जिया है, और आप लेकिन हमारे लिए तो नॉस्टैल्जिया, हमारे तो सामने वो चीज़ें हैं और आप लिखते वही हैं जो आपके सामने आता है। अगर अपनी बात करूँ तो मैंने ज़्यादातर साहित्य अपने गाँव में रह के लिखा है, तो अपने गाँव में हमारा जो परिवेश है वो परिवेश जाहिर है दिल्ली में या बाकी जगह पे नहीं होगा,
तो ये एक बड़ा संकट है। ये मैं अपने आलोचकों से भी निवेदन करता हूँ, संपादकों से और तमाम जो लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं साहित्य को, हम ये कहते हैं कि आप केवल एक तो जो आपने बहुत सीमित विमर्श बना दिए हैं उन विमर्श से भी आप बाहर निकलिए, और जो बहुत छोटे दायरे में आपने साहित्य को कैद कर दिया है उससे भी आप थोड़ा बाहर निकले, तो आपको पता चले कि नहीं ऐसा नहीं है, दुनिया अभी भी बहुत बड़ी है और वो अभी मुट्ठी में नहीं आई। अच्छा, जब आप ये लिखते हैं तो कहाँ से प्रेरणा मिलती है, और दूसरी बात कहाँ से फंड मिलता है? क्या आपको कहीं से कोई सरकार या कोई गैर सरकारी संस्था कोई आपको हेल्प करता है? देखिए, लेखक के लिए तो लेखक, मुझे नहीं लगता है कि जो लिखने वाले हैं उन्होंने किसी मदद से कभी लिखा हो, वो तो एक स्पॉन्टेनस ओवरफ्लो होता है कि एक तात्कालिक आपका जो मन में आया, आपको कोई दृश्य दिखा, कोई घटना दिखी, कोई समाज ऐसा दिखा जो बहुत ज़्यादा तिरस्कृत समाज है, आपने उस पर लिख दिया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारा प्रदेश, मुझे लगता है कि अकेला प्रदेश है जहाँ से कोई साहित्यिक पत्रिका नहीं निकल रही है, जबकि लिखने वाले उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि हिंदी पट्टी में और शहरों में भी जो लिख रहे हैं वो उत्तराखंड वाले ज़्यादा लिख रहे हैं, जाहिर है यहाँ पर भी खूब लिख रहे हैं। हमारे स्कूलों में जो ये जो सृजनात्मक एक्टिविटीज़ हैं इनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा, इस तरह की अभी कोई सोच नहीं है। साहित्य में ही वो दम है कि वो आपकी संस्कृति को प्रिजर्व तो करती है, उसके अलावा वो, मैं मनोहर श्याम जोशी की बात कर रहा हूँ, शैलेश मटियानी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे ठेठ पहाड़ी शब्द हैं, वो शब्द और पूरे हिंदी पट्टी छोड़ दीजिए, भारत की किसी भी भाषा में वो शब्द नहीं है, उन्होंने अपने साहित्य में उनका उपयोग किया, उन्होंने उसका मीनिंग कहीं नहीं लिखा है कि इसका ये मतलब है, लेकिन इस ढंग से किया है कि अगर आप बिहार के पाठक से कहेंगे तो वो समझ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो आपकी संस्कृति एक ऐसे हिस्से में भी जाती है जो कि अदरवाइज आपको नहीं जानता है, आप उस कल्चर को नहीं जानता है। तो संस्कृति के संरक्षण में भी साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ा एक एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए, अगर वो सरकारी स्तर पर हो रहा है तो। जी, अच्छा रजनीकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इतने यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने MBA कंप्लीट किया है, उसके बावजूद आप यहाँ की कल्चर, यहाँ के फोक सॉन्ग को, यहाँ के फोक कल्चर को बचाने की मुहिम में लगे हैं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब आप ग्राउंड लेवल पर लोगों से इस बारे में बात करते हैं? चुनौतियाँ तो बहुत हैं, क्योंकि लाइफ में देखा जाए तो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, अपना फ्यूचर भी होता है और इतिहास बदलना है, और लाइफ में कुछ अपने समाज के लिए कुछ करना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, तो इन चीज़ों के लिए दिमाग में रहता है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये हम पहल नहीं करेंगे तो कौन पहल करेगा, तो शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी और कर रहे हैं। और जहाँ तक लगता है समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है उससे जब सपोर्ट मिलने लग जाता है, जैसे मुकेश जी हैं साहित्यकार, तन्मय भाई हैं, तो जब ऐसे गुणी लोग आपकी काम की तारीफ करते हैं तो एक एनर्जी मिलती है और लगता है कि जल्दी वो समय बदलेगा जिसमें काम करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन थोड़ा संघर्ष के दिन तो हैं, लेकिन लगता है कि दूर होंगे संघर्ष के दिन। अच्छा, आप तन्मय जी, जब आप काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर, अपनी इस भाषा को बचाने की मुहिम में लगे हैं, कल्चर के साथ आप जुड़े हैं, यहाँ के कई और मुद्दों पे भी आप काम कर रहे हैं, तब क्या कोई गैर सरकारी संस्था आपके साथ जुड़ती है या सरकार को इसी तरह की मदद करती है? अब देखिए, सरकार के स्तर पर तो कई सारे चैनल्स हैं, ऐसा नहीं कहते कि चैनल्स नहीं हैं, लेकिन दरअसल में वो जो चैनल्स हैं, जितने भी चैनल्स बने हैं, वो उनकी सोच वस्तुता कैसी है, क्या वो उतनी गंभीरता से काम कर रहे हैं जितनी गंभीरता की हम अपेक्षा रखते हैं। उत्तराखंड में सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र की बड़ी बड़ी विभूतियाँ रही हैं, लेकिन कमोबेश सरकारी सिस्टम सबके सब लोग अलग रहे, इसी कारण रहे क्योंकि वहाँ उस गंभीरता नज़र नहीं आई, लोगों को लगा नहीं कि वास्तव में उतनी गंभीरता से काम करने जा रहे हैं। पैसे का उपलब्ध होना एक अलग बात है, लेकिन कई छोटे छोटे जो माइक्रो लेवल अप्रोच होनी चाहिए संस्कृति और साहित्य को लेकर के, वो अप्रोच का अभाव नज़र आता है। जैसे स्थानीय विद्यालयों में ही स्थानीय भाषाओं को लेकर या स्थानीय संस्कृति को लेकर के कोई ठोस योजना नहीं रहती, जो भी बच्चे जो भी कुछ संस्कृति के नाम पर करते हैं वो मान लिया जाता है संस्कृति। ऑफिशियली यहाँ के जो फोक डांसेस हैं या फोक सॉन्ग्स हैं उनको सिखाने का कोई ऐसा कोई चैनल नहीं है। अगर आप कोई बच्चा कहता है कि मैं अपनी भाषा सीखना चाहता हूँ तो उसके पास कोई ऐसा माध्यम उपलब्ध नहीं जहाँ वो सीख सके। ये ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी संस्थागत होना इन चीज़ों का, ये सरकार की जिम्मेदारी थी, चाहे भाषा सीखने का मामला है, चाहे यहाँ के सांस्कृतिक धरोहरों का मामला है, चाहे यहाँ के फोक डांसेस हैं, तो वैसा अप्रोच का अभाव नजर आता है, पैसे का अभाव तो नहीं है।
अप्रोच का भाव। यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ की युवा पीढ़ी, उत्तराखंड की युवा पीढ़ी किस तरह से अपने कल्चर को बचाए रखने में मुहिम में जुड़ी हुई है। आपसे अभी तक हम बात की कि आप किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जब आप ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जुनून है जो आपने इसी चीज़ को चुना और उसके बाद अब इसी के साथ लगे हैं, चाहे आपको एड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या एक ऐसी कोई इंस्पिरेशनल या कोई मोटिवेशनल चीज़ है जिसको जिसकी वजह से आज तक आप साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं? साहित्यकार हो, चित्रकार हो, कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी से जो आदमी जुड़ता है तो वो किसी मदद के लिए या किसी प्रचार के लिए नहीं जुड़ता है शुरुआती दौर में। वो तो ये सब चीज़ें तो बाद में आती हैं। हमारे साहित्य की शुरुआत भी ऐसे ही हुई। एक बड़ा सवाल ये है कि पहाड़ों से, खासकर ये हिमालयी अंचल जो हमारा है उत्तराखंड वाला, इससे इतने लेखक और इतने पत्रकार क्यों होते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसके पीछे कारण ये है कि दुनिया के सारे कष्ट यहीं हैं, और जब आप कष्टों के बीच रहते हैं तो आप चाहते हैं कि ये जो संतरास हैं ये दुनिया जाने। जो कष्ट, जो संतरास आदमी के, मनुष्य के जीवन में पैदा किए हैं, उनके बीच अगर आप रहते हैं तो मैं तो यहाँ तक दावा करता हूँ कि बहुत सामान्य आदमी भी अगर उस माहौल में रहता है तो बेशक वो बहुत अच्छा साहित्य नहीं लिखे, लेकिन कुछ ना कुछ लिखना तो वो भी सीख जाता है। तो ये उस परिवेश का कमाल है। अच्छा रजनीकांत जी, जब आप सिंगिंग उसमें जाते हैं, फोक सॉन्ग करते हैं, तो किस तरह से आप लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं? क्योंकि जब आप, जाहिर सी बात है, जब ग्राउंड लेवल पर जाते होंगे तो आपको एकदम से सिंगर्स मिलते नहीं होंगे, तो क्या आप पुराने जो गाते आ रहे हैं उनको भी साथ में जोड़ते हैं, फिर नए पीढ़ी को भी उसके लिए तैयार करते हैं? किस तरह से आप काम कर रहे हैं इसके? इसमें किसी को अभी लोगों को जोड़ना शुरू किया, जैसे अब मैं खुद फोक सिंगिंग करता हूं तो मेरे को ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की जिनके पास फोक का कलेक्शन होता हो, जो बहुत पुरानी पीढ़ी से, क्योंकि फोक तो काफ़ी पुराने हैं। कई लोग ऐसे होते हैं गांव में जिनके पास कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो कुछ वही फाइनेंस की वजह से वो अपनी सीडीज़ नहीं निकाल पाते। तो हम गांव में जाते हैं, मेले होते हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जिस पे बहुत अच्छा कलेक्शन होता है, उनसे हम फोक लेते हैं और उसको, क्योंकि वो थोड़ा सा बिखराव रहता है फोक के, चाहे वो लाइनें होती हैं उनको पूरा अपने तरीके से फिर करने की कोशिश करते हैं, फिर म्यूज़िक थोड़ा सा टूटा फूटा रहता है उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन पे, क्योंकि हम लोग यहाँ देहरादून में बैठे हैं तो संभव नहीं हो पाता है कि 12 महीने हम पहाड़ में जा रहे हैं, तो कई लोग गाँव में ऐसे होते हैं कि उनके पास वीडियो के इतना अच्छा कलेक्शन होता है, फुटेज होता है, तो हम उनसे मदद लेते हैं, उनको अपने साथ में लेते हैं ताकि जो फोक हम दें वो अच्छा निकल पाए। क्योंकि अकेले यदि हम उस सॉन्ग को लोगों के सामने लाएं तो उतना जीवंत नहीं रहता है, यदि एक टीम बनाई जाए तो वो फोक बहुत अच्छा निकल के आता है और लोगों के सामने, तो टीम वर्क होता है और लोगों को जोड़ के ही अच्छी चीज़ निकल के। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो नमस्कार मैम, मेरा नाम उदय है, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। जी उदय, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि जो हमारे उत्तराखंड की रीजनल लैंग्वेज है कुमाऊनी और गढ़वाली, उसे स्कूली स्तर पर क्यों शुरू नहीं किया जा रहा है? जी उदय, ये जानना चाहते हैं कि जो ये लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, कुमाऊं है, गढ़वाली है और भी इसमें बहुत सी लैंग्वेजेस होंगी यहाँ पे, वो लैंग्वेजेस को आप स्कूल स्तर पे क्यों नहीं शुरू करते हैं, और अगर करते हैं तो उसके लिए क्या आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 जो है उसमें इनेबलिंग क्लॉज कहते हैं, उसने अपने आप में प्रावधान कर दिया है कि जितने भी प्राथमिक शिक्षा हैं उसमें त्रिभाषा सूत्र लागू होगा, यानी कि वहाँ तीन भाषाएं पढ़ाई जा सकती हैं। ये राज्य सरकार के पूरी तरह से उनके डिस्क्रिप्शन पर है कि वो इस नियम को लागू करें, लेकिन उत्तराखंड में हिंदी के बाद अगर किसी भाषा को राजभाषा के तौर पर माना गया, वो संस्कृत को माना गया, यहाँ की स्थानीय भाषाएँ उपेक्षा का शिकार रहीं। सवाल गंभीरता का है कि आप समझ रहे हैं कि ये समझें कि भाषा ज़रूरी क्यों है। स्थानीय भाषाओं का वो संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस समाज के बीच में वास्तविक रूप से आप लोकतंत्र की या एक मतलब आप डेमोक्रेसी को अंतिम आदमी तक ले जाने की बात करते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो अंतिम आदमी है उसकी भाषा, उसका रहन सहन, उसके पहनावे से आप इत्तेफाक रखें, उसको जानने की कोशिश करें, क्योंकि बड़े बड़े समाजों का इतिहास जानने के लिए भी उनके भाषाओं को जानना एक ज़रूरी होता है। और चूँकि इस बीच बहुत बड़ी पीढ़ी ने पलायन करके बाहर आया और वो पीढ़ी अपने पूरे समाज से, पूरी संस्कृति से उसका जो कटाव हुआ है उसको जोड़ने का तरीका है कि भाषा को संस्थागत स्वरूप दिया जाए, उसको पढ़ाने के प्रॉपर चैप्टर्स हों,
किताबें हों जिससे कि कोई नया व्यक्ति या नया बच्चा भाषा को सीखना चाहता है वो सीख सके। उत्तराखंड की बेहतरी इस बात में है कि उसकी भाषाओं को लिखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए और यहीं से बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। भाषा केवल साहित्य का या भावनात्मक विषय नहीं है कि मेरी भाषा बहुत श्रेष्ठ, भाषा एक बेहतर डेमोक्रेसी के लिए भी ज़रूरी है कि वो स्थानीय भाषाओं को सम्मान दे, उनको अपने शासन में शामिल करें। और ऐसा हम नहीं, यूनेस्को ने इस बात को माना है और इसीलिए ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को माना है कि जो स्थानीय भाषाएं हैं, जो छोटे समूह की भाषाएं हैं, उनका भी संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नौटियाल जी, जैसे इन्होंने बोला कि भाषा को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी गंभीरता को समझें, हम अभी तक बात कर रहे हैं प्रशासन की, हम बात कर रहे हैं कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एक आम आदमी को, यहाँ के डोमिसाइल लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि उनकी धरोहर को बचाए रखना कितना ज़रूरी है? क्योंकि इन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि ये नई भाषा सीखी तो कोई बात नहीं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक आम आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है अपनी धरोहर को बचाए रखने की? बिल्कुल बनती है, मैं स्वीकार करता हूँ। और मैं क्यों, हर आदमी इस बात को स्वीकार करेगा। देखिए पहली बात तो ये है कि अभी तक हमने जो इतिहास पढ़ा है पूरी दुनिया का, कोई साहित्य, कोई संस्कृति, कोई भाषा किसी सरकार ने नहीं बचाई है, वो समाज ने ही बचाई है। गढ़वाली और कुमाऊनी, आप आश्चर्य करेंगे कि जब हम इतिहास में पीछे जाते हैं तो ये 10वीं-11वीं सदी से ये राजकीय भाषाएं रही हैं। गढ़वाल नरेश की बाकायदा भाषा रही है। अब जब उनको पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात आती है, यह मुख्यधारा की हिंदी है, इसके साथ चलाने की बात आती है, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो हमारे विद्वान सवाल उठाते हैं वो है मानकीकरण का, कि ये बहुत मानक भाषा नहीं है। सवाल ये है कि जो भाषा तब राजकीय भाषा थी और तब उन्होंने इतने बड़े, जबकि पूरा निरक्षर समाज था, तब उस भाषा ने उस समाज को अपनी बात समझाई, तो अब तो आपके पास मैक्सिमम लिटरेसी है। अब अगर उस भाषा में आप कोई बात बोलेंगे तो क्या लोग नहीं समझ पाएंगे? इसमें मैं मुकेश एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें सरकार को तय करनी है, बोलना चालना व्यवहार में लाना समाज के स्तर पर कार्रवाई, लेकिन भाषा अगर मानकीकरण की बात करी जाए, मानकीकरण में बहुत सारे भेद हैं सच में, लेकिन ये यहाँ सरकार की जिम्मेदारी, वो तय, वो बता दे कि हाँ इस तरह से भाषा को बोला जाना, इसको हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं, बाकी सब इसकी सब्सिडरीज हैं। और ये रोल नहीं हो रहा अभी, और वो कह रहे हैं कि सब सरकार समाज ही करेगा। तो समाज में तो कोई भी किसी माने बात दे नहीं। कई लोगों ने अपनी लिपि बनाई, उन्होंने कहा हमारी गढ़वाली की हमने ये लिपि बनाई, लेकिन आप सवालों से लागू कौन करेगा? मैं तो कह रहा हूँ आप कल सॉलो चैलेंज करने वाले, तो अल्टीमेट अथॉरिटी किसी न किसी को बनना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट बन सकती है। अगर गवर्नमेंट ऐसा रोल अदा करती है तो समाज के स्तर पर एक काफ़ी बड़ा काम होगा। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाह रहा था कि भाषा, बोली भाषा को लेके समाज के अंदर ही बदलाव आएगा तो ही भाषा बोली में हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे आप साउथ इंडिया की तरफ जाइए, आप बंगाल की तरफ जाइए, आप पंजाबी फैमिलीज में जाइए, तो वहाँ घर से ही बोली भाषा पे काम शुरू हो जाता है। वहाँ तो कोई लिपि नहीं है, घर से ही उसकी लर्निंग शुरू हो जाती है। हमारे तो घर से ही लर्निंग नहीं है, तो हम तो सरकार को बाद में बोलेंगे ना। सबसे इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए पब्लिक जिम्मेदार है कि या वो खुद नहीं बोलते हैं या वो अपने जब खुद नहीं बोलते हैं तो वो चीज़ें बच्चे भी नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए सुधार घर से शुरू होगा, समाज से शुरू होगा, तब सरकार को हम बोल सकते हैं। इसमें मैं एक बात ऐड करूँगा, असल में पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या क्या रही कि 1960-70 के बाद से फौज में जो भर्ती का प्रचलन चालू हुआ, हमारा समाज बिखराव की तरफ बढ़ा। चूँकि जो समाज अपने आप ही विस्थापित होता रहता है, यानी कोई अगर बिहार से विस्थापित होकर के यहाँ आएगा तो एक पीढ़ी तो उसकी बिहारी बोलती है, लेकिन अगली पीढ़ी जिस समाज में रहेगी उसी भाषा को बोलने आते हैं, तो वो उनकी मजबूरी है। जो जितना जिस समाज का पलायन बाहर होता है वो दूसरी संस्कृतियों के निकट आने के बाद उसको अपना लेता है। तो जो समाज संगठित साउथ इंडिया में जैसे कह रहे थे, जो समाज अपने जड़ों में रहते जो रहते हैं, तो उनकी भाषा भी पल्लवित होती है, उनकी संस्कृति भी बढ़ती है, क्योंकि स्थिर समाज है। जो टूटते हुए समाजों की संस्कृति को बचाना और भाषा को बचाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा रजनीकांत जी, जाते जाते क्या दो लाइनें आप हमारे ऑडियंस के लिए? पोस तू कछुमा मेरी भाग्या निभा, पोस तू कछुमा आज की चौपाती मेरी भाग्या निभा, रे तुम्हारा जुमा कूड़ की अटाली मेरी भाग्या निभा, कूड़ की अटाली इन लड़ी चौपाती मेरी भाग्या निभा, फूटली पटाली। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। बस अब वक्त है आप सबसे इजाज़त लेने का क्योंकि समय का अभाव है।
तो आज की चर्चा में यही बात सामने आई है कि धरोहर को बचाना सिर्फ सरकार या किसी सामाजिक संस्था का काम नहीं, बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर हर परिवार का यही उद्देश्य होना चाहिए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ी को अपनी धरोहर से वंचित ना रखे। आज की गोष्ठी में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।